क्या सलाम है जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बकर व्लॉग्स। तो क्या हाल है सभी के। सो गाइस, एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं हम और आज हम बना रहे हैं मटर भी बोलते हैं कहीं जगह पे, मटर भी बोलते हैं। इसे मैदे की बनती है कुरकुरी और इसे स्नैक टाइप में यूज़ किया जाता है, जैसे कभी चाय टाइम में खा लिया या मॉर्निंग में कभी भी। सो एक बेसिक सी रेसिपी है, आप लोगों को पता होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता मटर बनाने वाले हैं जो आराम से 15 से 20 दिन कभी कभी एक महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मुझसे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमने ले लिया है मैदा, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। हमने ये 2 कटोरी मैदा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 कटोरी के अकॉर्डिंग हमने आधी चम्मच मैदा लिया है। चम्मच हमने लिया है अजवाइन, हम डालेंगे इसके अंदर आधी चम्मच अजवाइन। ये डाइजेशन इंप्रूव कर देती है उस टाइम पे जब। इसमें ऑयल, ये मोइन का काम करेगा। इसे बनाएंगे हम अपनी मटर, अब इसको अच्छे से गूंथेंगे और फिर बनेगी मटर। पहले मैं इसी को मसलना है हल्के हाथों से, ताकि ये तेल इसमें जितना अच्छे से मिक्स हो सके, मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए, हल्के हल्के गांठे बनने लगेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी और एक इसका डो तैयार कर लेंगे। ऐसे मुट्ठी बना के देखने, जब ऐसे बन जाए इतना मोयन होना चाहिए इसके अंदर। जैसे मुट्ठी बन रही है, वापस दिखाएंगे, जैसे ये मुट्ठी बन रही है, अगर कम है तो थोड़ा ऑयल और ऐड कर लें, और अगर ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। जो मोयन इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया, आप इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए इसे इसका एक डो बनाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसमें ऑयल है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो हमारा हो चुका है तैयार। इसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल, मोइन कहते हैं मोइन के लिए, और ये साथ में है इसमें अजवाइन, तो हमने साथ में नमक भी डाला था। तो अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढक के 10 सेकंड। तेल हो चुका है हमारा गर्म, अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने मटर का, जो हम अभी बनाएंगे बेल के, और अच्छे से मैंने गूंथ लिया है। अब इसको एक इसके अंदर पेड़ा बना लेंगे, छोटा सा तोड़ लेंगे डो का हिस्सा, और इसकी रोटी के टाइप में गोल गोल बेल लेंगे इसे। थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है हमने अपनी चकले को, और बेलन की मदद से इसे अच्छे से एक रोटी की शीट टाइप बना लेंगे। ज़्यादा पतली भी ना बनाएं और ज़्यादा मोटी भी ना रखें, बस एक नॉर्मल पतली रोटी की जैसी बनानी है। और फिर एक चाकू की मदद से इसे हम कट कर लेंगे अपनी मनचाही शेप में। मटर मोस्टली लंबी, कोई लोग लंबी बनाते हैं, कोई छोटी बनाते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको लंबे लंबे क्यूब्स बनाने हैं, लंबे लंबे पीस बनाने हैं या छोटे बनाने हैं। पर यहाँ तेल हमारा हो रहा है अच्छे से गर्म, तेल ही अच्छे से, जो ये ब्लैक ब्लैक है ये अजवाइन है, इसे ऐसे काटना है। पहले कॉर्नर्स को कट कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो गोल गोल रहेगा फिर वो मटर, थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। ये निकाल दिए कॉर्नर्स इसके, ये वापस से यूज़ हो जाएगा इस आटे में। अब इसको काट लेंगे हम लंबी लंबी शेप में। अब इसको मोटी पतली कैसी बना सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी मोटी बनाई है हमने। जैसे कि देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल के पहले चेक करेंगे, एक तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सारी एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को लो पे ही रखना है हमें, मतलब से पलटते रहेंगे हल्के हल्के से, ताकि दोनों तरफ से इक्वली पक जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है मटर की, एकदम खस्ता बनेगी, क्योंकि जो हमने इसमें मोइन यूज़ किया था उसके कारण एकदम कुरकुरी और खस्ता बनेगी ये हमारी मटर। मटर ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, हल्की हल्की ब्राउन होने लग चुकी, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि कच्चा ना रहे, फिर इसे खाएंगे हम मज़े से। तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसको हम निकालेंगे अपनी प्लेट में, गर्मा गर्म खाएं, आराम से स्टोर करके रखें कितने भी दिनों तक, कम से कम 10 से 15 दिन तो आराम से स्टोर रह जाती हैं, लेकिन उसके उस तक बचती भी नहीं है, लोग वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम कुरकुरी बनी है हमारी मटर। सो गाइस, मटर बन गई हो चुकी है हमारी तैयार, बिल्कुल खस्ता है, एकदम कुरकुरी मटर है। बहुत बेसिक सी सिंपल सी रेसिपी है, सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही, अब देख सकते हैं एकदम कुरकुरी बनी है, कैसी आवाज़ है इसकी, बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन बहुत ही टेस्टी, मैं से टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ही मौसम है, एकदम कुरकुरी, एकदम खस्ता बनी है, जो हमने ऑयल यूज़ किया था आटा गूंथते हुए
उस ऑयल के कारण ही एकदम खस्ता और कुरकुरी बनी है हमारी मटर। और इसको आराम से आप स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, लेकिन ये बचती नहीं है क्योंकि इसे वैसे भी खा सकते हैं स्नैक टाइम में भी, मॉर्निंग में बच्चे लेके जाना चाहें वैसे खा लेते हैं, कभी कभी भूख लग रही होती है कुछ खाने का चाहिए होता है, अदरवाइज चाय के साथ तो ऑसम यार मज़ा आ जाता है। और गाइस वीडियो को ज़्यादा नहीं करते हैं, छोटी सी बेसिक सी रेसिपी थी, यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप देना, मैक्सिमम शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को और चैनल को जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद। डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।